भर रहा है देखो जिस सर। कितने तरह कितने छुट्टी वाला में देखे आपे ना बहुत हमें गंदा अन्य प्लान का वीडियो देख जो से बहुत मन आमा गंदा। देखना है एक्चुअली से गड़बड़ कर चुन नहीं, तुम ही लोग नहीं देखते हमें हो, नौ लिखी पहले है देखे तुम लोग सब देखना चाहिए ना। तुम एक्चुअली यू आर इन द नीड, क्योंकि तुम लोग का 11th रिवीजन कैसे होगा, इसलिए अभी से करना चाहिए। तो तुम माने फेमन हाँ और ये दांतों सेमन वगैरह का वीडियो उनके पास 1 साल का टाइम है, ओके वो ना देखे वो बाढ़ में जाए, तुम्हें उससे क्या है, मुझे लगे नहीं। बट इट इज योर अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है चीज, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस सर तो यही तो तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे लिए अर्जेंसी है, उनके लिए नहीं है, नहीं है, वो कल देखेंगे, है कि नहीं। तो लाइक दैट, बट तुम्हारे लिए तो अर्जेंसी है ना, मॉर्फोलॉजी ऑर्फोलॉजी एंड यू नो ये जो चीजें हैं, मैं जनरली 12th में ही पढ़ाता हूँ, 11th में मेरा वो कभी खत्म नहीं होता है, क्यों मालूम है? एंड दैट टू मॉर्फोलॉजी आई टीच लास्ट, ओके क्यों? वो कभी याद रहेगा ही नहीं, नहीं मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले जैसे बोली स्पेशली होती सपोज जैसे आपका जो बोर्ड खत्म हो जाएगा, 1-1.5 महीना जो बचता है उसमें मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट प्लांट जो फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर उसको थोड़ा देख लो, तो वो बेस्ट टाइम होता है। नॉलेज जरा मन रख के बहुत कष्ट, क्योंकि कितना एग्जाम्पल याद रखोगे आप? हाँ ये तो एनसीईआरटी है करके 2-4 आप याद रख लेते हो, बट अदरवाइज यू हैव टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ना। चलिए, सो अब इसमें जो डीएसडीएनए रेप्लिकेशन है इसका हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द नेचर कि वो सेमी कंजर्वेटिव है, फिर हमने उसको डिस्कस कर लिया कि वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली। ओके, वी विल डिस्कस अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन, समझ रहे हो? ये एक नया टर्म है हम लोग के लिए, सो सेमी डिसकंटिन्यूअस। एंड आज आप जानेंगे कि यू विल नो टुडे दैट बेसिकली जो एनसीईआरटी है उसने रेप्लिकेशन 4 भी ठीक से नहीं बनाया, सो दिस इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो इसका आधार क्या है? नाउ डीएनए, ओके डीएनए रेप्लिकेशन इज कैटलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेजेस। ओके, तो ये याद रखेंगे, तो हु कैटलाइजेस द रिएक्शन? डीएनए पॉलीमरेजेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए इज कैटलाइज्ड, ओके बाय डीएनए पॉलीमरेजेस कॉमा व्हिच कैन पॉलीमराइज ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन, सो द टेम्पलेट, ओके तो टेम्पलेट मतलब जिससे देखकर हम बनाएंगे, सो द टेम्पलेट इज क्या, या द टेम्पलेट शुड बी फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगेन ये टॉपिक इतना लेट पढ़ने का एक प्लस पॉइंट क्या है, आपका केवीपीआई में ये हॉटेस्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये सबसे हॉट टॉपिक है आपका फॉर केवीपीआई, तो इसलिए आप याद रखेंगे। सो द डीएनए टेम्पलेट शुड बी फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन, बट एज वी नो दैट इन डीएसडीएनए द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, है कि नहीं? तो व्हाट इज एंटी पैरेलल? ओके, दे आर अपोजिट में नंबर 1 क्या, इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पाली ईच अदर। ये भूल जाते हो तुम लोग,
throughout its length. And this topic is only given in JS lecture. आपको जो भी लिंक विंक लेक्चर देखना है देख लो, ये जो टॉपिक और किसी लेक्चर में नहीं दिया होगा इक्विडिस्टेंट। वो खाली बोलता है 5-3, 3-5। अरे 5-3, 3-5 वो अगर इक्विडिस्टेंट नहीं होगा तो वो तो नॉन पैरेलल भी हो सकता है ना, है कि नहीं? तो लाइक दैट, अगर मैं एक स्ट्रैंड ऐसे बनाऊ, आई मेक ए स्ट्रैंड लाइक दिस, आई मेक ए स्ट्रैंड लाइक दिस, 5-3, 3-5, इज इट पैरेलल? आप देखोगे किसी बुक में भी इसका जिक्र नहीं होता, ओनली वन पुअर टीचर इज देयर हु टीचेस इट, अ पुअर मैन, है कि नहीं? चलिए, सो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये हमारा पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? ओके, द टू स्ट्रैंड्स lie in 69 position. What is 69 position? That is in opposite polarity. Okay, that is in opposite polarity. ठीक है जी, तो ये आपका है, this is the concept. तो इसीलिए इसको हम लोग दिखाएंगे, विल ट्राई टू शो इट नाउ। सो सपोज ये हमारा एक डीएनए है, ये उसका स्ट्रैंड है। सो नाउ हियर व्हाट आर वी सीइंग, तो इसमें हम इसको लैडर जैसे बनाएंगे, फाइन। सपोज ये हमारा डीएनए है, ओके। So, ये आपका जो एटीजी जो पेयर्स है, बेस पेयर्स, दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस इट, ओके। चलिए, तो ये आपका जो स्ट्रैंड्स है, तो अगर ये आपका 5' साइड है तो ये आपका 3' साइड होता है, 3'। सिमिलरली ये उल्टा होगा, तो ये 3' साइड होता है एंड ये 5' साइड। सो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट पोलैरिटी एंड द डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज हाउ मच, सो दैट डिस्टेंस इज 20 angstrom, है कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस इज 20 angstrom in BDNA. Okay, so B is also called Watson and Crick's DNA. तो हमारा पांच तरह का DNA होता है, A, B, C, D, Z. उसमें जो BDNA है वो Watson and Crick's DNA है। ये भी एक question होता है, तो इसलिए आप ये याद रखेंगे। Okay, so this is equidistant. तो इसीलिए आप ये आपका जो concept है, so इसलिए DNA replication is catalyzed by DNA falls, which is this. Okay, but as we know that DNA strands are anti-parallel. Okay, comma, both the strands cannot replicate. Okay, simultaneously, they cannot replicate, जगह नहीं है, at the same rate. Okay, तो ये cannot replicate at the same rate. Now, अब ये जो strands आप देख रहे हो, इसमें ये आपका जो strand है, ऊपर वाला strand, see, replication क्या होगा? 5-3, तो this is called क्या? लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ओके, अबे तो काई नहीं लग सेड़े। सो दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। अंडरस्टूड?
एंड ये जो है ये क्या है लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट ओके क्यों बिकॉज ए सॉरी सॉरी वो उल्टा हमने बना दिया टेम्पलेट टेम्पलेट हम बना रहे हैं ना तो अगेन चलो उसको ऐसे ही रखने दो भाई क्यों जो लिख दिया सो लिख दिया मर्द की जबान तो आप जस्टिफाई दिस अभिषेक मानती अब मैं गलती कर दिया हूं बट आप जस्टिफाई करो उसको प्रूव आई एम राइट तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट हाँ यस समझ रहे हो सो एमिति ही कुआ जीवरे बाबा राइट टू समझ रहे हो सो यही जेजेस का भक्ति है सो दिस इज राइट टू लेफ्ट तो दिस इज आपका फाइव प्राइम एंड ये आपका हो जाएगा थ्री प्राइम ओके Who was asking इम्ति किम्ति है जी वो I'll answer पूछो वो मेरे से बापू बात कर रहा था ना कोई और से बात कर रहा था वो आपसे हाँ ओ तू बोल रहा था तो अब ये तुमको तुम्हारा स्कूल में नहीं पढ़ाया तो अभिषेक का टीचर पुअर टीचर ने उसको स्कूल में पढ़ाया तो तुम्हारा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया रिच टीचर्स टाटा एज टीचर्स So this is actually referred to as what? This is called the direction of replication. Okay? So ये आपका direction of replication है या उसको हम net direction लिख सकते हैं और भी clear हो जाएगा net direction of replication. समझ में But अगर मैं ये उल्टा लिखा होता तो आप बदल सकते थे लेफ्ट टू राइट तो इसीलिए उस केस में रेप्लिकेशन चेंज क्यों बिकॉज आपका दोनों इंडिपेंडेंट है कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं तेरे को क्या दिक्कत है अंडरस्टैंड सो दिस इज द बेसिक लॉजिक तो अब ये लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है इसका मतलब ये लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा तो लीडिंग स्ट्रैंड 5-3 में होता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड ओके चलिए तो ये आपका कंसेप्ट है Now, because आप देखो दोनों स्ट्रैंड को आप इकट्ठा रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हो तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे उसको हम अलग अलग रेप्लिकेट करेंगे तो ठीक है जी तो इसी चीज को अब हम लोग एक रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे सो वी विल मेक ए रेप्लिकेशन फोर्क फाइन कुछ ज्यादा ही बड़ा एरर तो ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे रेप्लिकेशन फोर्क मतलब एक उसको काटेंगे एंड उसको रेप्लिकेट करेंगे नाउ फॉर एग्जांपल अब मैं उल्टा वाला बनाता हूं पर मेरे मन को आया मैं टॉमी मार के खाया ये तो आप जानते ही हो आप लोगों ने उसमें भी लिखा था तो इसलिए सपोज ये हमने खोला है डीएनए एंड ये भी आपका डीएनए हमने खोला है तो सपोज ये खोला है ऑलवेज संदीप इसमें डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट अदर देन अभिषेक बताओ मैं देखना चाहता हूँ आप लोग स्कूल क्या पढ़े हो देख रहे हो बड़ा बड़ा टीचर बड़ा बड़ा लोगों से पढ़ लिया Is it from here to here, na here to here? Right to left, na left to right. Left to right. Right to left. बोलो सोच के बोलो सोच के बोलो. Right to left. सोच के बोलो अब मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको और clarity मिल जाए. You should be clear actually. I should not give you any doubts. तो suppose मेरे मन को आया मैं कुत्ता मार के खाया. तो अब मैं इसको 5-3 करूंगा मेरा जो मन है भैया मैं जो करूं मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी तो ये कर दिया मैंने
आप बताओ कि कौन सा नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होगा. राइट बोलिए. चलिए बोलिए. तो देख रहे हो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो. ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन. सर राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट. सो आप देखिए इसका सिंपल लॉजिक अभिषेक आपको बताएंगे. हाउ विल वी नो अभिषेक कि कौन सा डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होगा. सर टेम्पलेट देखिए. नहीं अब सोचो कि थ्री इडियट्स का डायलॉग यहाँ अप्लाई होता है. जिप जिप. यस. तो जिपर एक्चुअली वाटसन एंड क्रिक दे कंपेयर्ड दिस रेप्लिकेशन विद जिपर डुप्लीकेशन. So always the direction of replication is in the direction इधर मोटा एरो चेत है पतला गया. So direction of replication is always in the direction of the opening of the zip. समझ रहे हो. तो जैसे zip ये zip handle है तो zip ऐसे ऐसे खुल रहा है तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ वो जाएगा. तो समझ रहे हो. तो ये आपका नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है. तो यहाँ कौन सा साइड लिखेंगे हम. बोले व्हाट साइड विल राइट. फाइव ना थ्री. फाइव प्राइम. एंड इसको क्या लिखेंगे. थ्री प्राइम. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. नेट का मतलब क्या है. टोटल सब कुछ मिलाने के बाद आपका रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा. ओके अब आपका जो पॉलीमरेज बनाया जाए तो लेट अस मेक अ पॉलीमरेज. ठीक है जी. चलो हम लोग एक अच्छा सा पॉलीमरेज बनाते हैं. अरे यार ये छोटा वाला पॉलीमरेज बन गया. तो लेट अस मेक ए पॉलीमरेज एंजाइम. सपोज ये आपका पॉलीमरेज एंजाइम है एंड दिस एंजाइम इज रेफर्ड टू एज व्हाट. दिस एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमरेज थ्री. ठीक है. तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज थ्री है. ये किस तरफ मूव करेगा. राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट. राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट. अरे पावर आर टू एल. ऑलवेज जो डायरेक्शन नेट है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. और क्या. तो ये इस तरफ मूव करेगा. तो अगर इस तरफ मूव करेगा लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है बताइए. सर ऊपर वाला लीडिंग नीचे वाला लैगिंग. बोलिए. ऊपर वाला लीडिंग नीचे वाला लैगिंग. ऊपर वाला लीडिंग लैगिंग. अरे 5 to 3 prime continuous ना. So, yes, देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया पार्ट पढ़े हो. तो ये है लीडिंग स्ट्रैंड. तो ऑलवेज याद रखो लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या मालूम है. उसको लेके पॉलीमरेज के साथ जोड़ दो. तो दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड. फाइन. इट इज विनिंग द रेस. अंडरस्टूड. बट ये जो है ये लूजिंग द रेस है. ये उल्टा डायरेक्शन में होगा. ओके. सो दिस इज द कंसेप्ट. डोंट जॉइन इट. तुम्हारा एनसीईआरटी में ऐसे दे दिया है. तो इज इट लीडिंग ना. बोथ आर सेम रेट. बोथ सेम. समझ आया. तो इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे. फाइन. तो आप एक डेफिनाइट गैप छोड़ेंगे. अंडरस्टैंड. सो एनी डाउट्स प्लीज आस्क. गूंगा मत बैठो. Because most of you are preferring to sit gunga, फिर आप हो जाओगे नंगा. अब मेरे को तब कुछ नहीं बोलना. तो इसलिए जब मेरे हाथ में कुछ है तो आप बोल दिया करो. So ये है leading strand या continuous strand. तो समझ रहे हो. ये leading strand है या continuous strand है. ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है. बट इसको क्या कहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट. लैगिंग स्ट्रैंड. तो लैगिंग का मतलब क्या है. वो रेस में पीछे है. तो लैगिंग स्ट्रैंड. एंड इट इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड डिस
continuously. ये आप समझते हो ना, आप सिर्फ ऐसे घोष दिए हो, क्योंकि इसको ये क्यों ऐसा हुआ आपको किसने बताया है? तुमको तो मैं बताया हूँ, मैं दूसरों के बारे में पूछ रहा हूँ. सो अदर्स, डू यू नो व्हाई इट इज लाइक दैट? सो इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, आफ्टर राइजी ओकाजाकी. ओके, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. एंड ये स्ट्रैंड है लैगिंग, एंड ये डिसकंटिन्यूअसली बनता है, इसीलिए इसका रेट क्या है? स्लो. इसीलिए इसका रेट क्या है? फास्ट. ओके, तो फास्ट प्लस स्लो डिवाइडेड बाय टू इज सेमी फास्ट. तो आप समझ रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी डिसकंटिन्यूअस? समझ रहे हो? तो ना तो ये कंटिन्यूअस है और ना ही ये डिसकंटिन्यूअस है. देखो, इन आर्मी देयर इज ऑलवेज अ रेस, उसको ग्रुप रेस कहते हैं. तो ग्रुप रेस में सपोज मैं तुम्हारे टीम का मेंबर हूं, एंड तो क्या होगा, सपोज कहीं से जैसे 11 फीट का दीवार होता है, तो उसको हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, और मैं तो क्रॉस कर नहीं सकता. तो अगर मैं नहीं क्रॉस कर सकता तो तुम लोग भी वहां से नहीं हिल सकते. अंडरस्टैंड? तो ग्रुप टास्क का मतलब क्या है? एवरीबॉडी हैज टू गो. तो इसीलिए अब आप कुछ मर्जी करिए, मुझे वहां से बाहर निकालिए. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस. तो ये आप समझ में आएगा, तो समझ में आया. इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन कब खत्म होगा? जब एक स्ट्रैंड हो गया ना, जब दोनों स्ट्रैंड होगा. दोनों स्ट्रैंड. तो इसीलिए यू हैव टू वेट फॉर द अदर टू कंप्लीट. सो दैट इज व्हाई आपका जो नेट रेट है वो दिस प्लस दैट बाय टू जैसा हो जाता है. अब ये जो ग्रीन स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कहते हैं बताइए? द ग्रीन स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट. ओके, उसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट बोलते हैं. एंड ये जो लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. ये याद रखना, सिंस ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. ओके, ये जो स्ट्रैंड द टेम्पलेट, नॉट द रेप्लिकेशन, द टेम्पलेट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. तो इसीलिए उसको हम उल्टा सिंथेसाइज करेंगे, एंड इसीलिए ये स्लो होता है. भाई आपका एंजाइम उधर जा रहा है, सी योर एंजाइम इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट. ओके, एंड इस चीज को हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट. एंड ये आपका 3' to 5' होता है. एंड यू नो दीज आर ऑल क्वेश्चन एरियाज, सो प्लीज रीड इट एंड रिमेम्बर इट प्रॉपरली, क्योंकि ये सब गारंटेड क्वेश्चन एरियाज में आता है. अंडरस्टैंड? तो ये आपका रेप्लिकेशन है. नाउ अब ये आपका दिस इज कॉल्ड, तो ये डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? This is called replication fork. DNA replication fork. तो ये कब होता है? When does such a situation occur? तो such a situation occurs. Okay. तो DNA replication, उसमें single origin and unidirectional replication. Okay? तो जब आपका सिंगल ओरिजिन एंड यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, उस केस में आपका रेप्लिकेशन फोर्क बनता है. अंडरस्टूड? सो दैट इज द क्वेस. तो इसीलिए इधर हम लोग लिखेंगे नेट रेट ऑफ रेप्लिकेशन is between
the two. Okay, the net rate of replication lies between the two. Okay, net rate of replication lies between the two. इसलिए so called क्या semi discontinuous. Okay, so called semi discontinuous. Okay, तो एक strand continuously replicate करेगा and ये हमने लिखा है कि नहीं कहीं ये हमने लिखा नहीं है ना तो इसको लिखना पड़ेगा. You have to write it. तब ये समझ में आएगा ना. तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा that the 3 prime to 5 prime template strand is replicated continuously as it is replicated in the direction of replication. Okay, in the direction of replication. Yeah, in the direction of movement of polymerase dikh dene se hoga. Movement of DNA pol. Theek hai? So the 3 prime to 5 prime template is replicated continuously as it is replicated in the direction of movement of DNA pol. Full stop. The paste. तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे. The 5 prime to 3 prime template is replicated discontinuously. Okay, as it is replicated in the opposite direction. Opposite. Okay, in the direction opposite. ऐसे लिखना चाहिए ना. In the direction opposite of the movement of DNA polymerase. ठीक है. So the net rate of replication lies in between the two. Koishak? No sir. इसको किधर लिखेंगे. इधर जगह होगा क्या. देखते हैं. हाँ हो जाएगा ना सेफ. चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट है. तो आके समझ. तो ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क है एंड इस पे आपका क्वेश्चन जरूर आता है. अब हम लोग बनाएंगे रेप्लिकेशन बबल. ओके सो नाउ वी विल मेक रेप्लिकेशन बबल्स. फाइन. तो सपोज अब मैं ये एक सर्कल बनाऊंगा एंड ये एक और सर्कल बनाऊंगा. फाइन. तो सपोज ये आपका बबल्स है. फाइन. तो ये आपका रेप्लिकेशन बबल्स है. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे. वी विल मेक द डीएनए विल जॉइन इट. तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है. उसी तरह से इसको यहां भी खींचेंगे यहां भी खींचेंगे. ओके यहां भी खींचेंगे एंड आपका यहां भी खींचेंगे. सो ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड हो गया. अब उसको हम हाइड करेंगे. आ गया मजा. ओके तो छुप गया वो लाइन. उसको हम ऊपर ले जाएंगे. इसको इधर ले आएंगे. फाइन. सो ये आपका बबल दिख नहीं रहा है. ओके तो अगेन यहां भी उस तरह से हम लोग बनाएंगे छोटा सा बबल एंड इधर भी बनाएंगे छोटा सा बबल. खुल गया. तो आप डीएनए खुल गया कि नहीं. मजा आ गया कि नहीं. Yes, sir. So you should appreciate the artistry of JJ's. तो जो कि आप तो करते नहीं हो उसका मुझे बहुत दुख है. Thank you, sir. अब
इधर आप क्या देख रहे हो, तो अब हम लोग इसको कहीं से इधर एप्लीकेशन शुरू करना है, तो लेट अस कट। तो जहां से काटोगे उसको हम लोग निकिंग कहते हैं। तो सपोज हम लोग इधर से उसको काटेंगे, तो जैसे उसको काटोगे तो उसको मिटा देना। तो जस्ट बट उसको वाइट करना है। सो अब ये कट गया डीएनए, फाइन, देख रहे हो कट गया कि नहीं। यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, अप्रिशिएट इट। अब ये कट गया डीएनए। अब सपोज ओके, अब हम लोग इसको सपोज लिखते हैं 3' से 5', तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 5' से 3'। ओके, इसको नीचे लाओ। तो आप तो जैसे हमने निक किया तो ये एंड क्या हो जाएगा, 5', ये एंड क्या हो जाएगा, 3', ये क्या हो जाएगा, 3', ये क्या हो जाएगा, 5'। तो सही वाला 8B5, 3, 8B3, 5। सो नाउ अब मेरे को डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, सपोज अब हम लोग इस तरह से डायरेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, आप तो जानते हो कि मेरे मन को जो आएगा मैं करूंगा। सो ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, दैट इज 5' to 3'। बोले बोले, तो आप मेरे को बताइए, तो आप कहां, सो वेयर विल बी द पॉलीमरेज, यू नो ना, तो पॉलीमरेज आपका होगा इधर। सो यहां एक पॉलीमरेज होगा एंड तो वो इस तरफ जाएगा, यहां एक पॉलीमरेज होगा जो उस तरफ जाएगा, यहां एक पॉलीमरेज होगा एंड यहाँ एक पॉलीमरेज। तो इसीलिए इसका कितना डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, सो यू हैव टू मेक इट लाइक दिस, इट विल गो दैट साइड, दिस विल गो दिस साइड, दिस विल गो दिस साइड एंड दिस विल गो दैट साइड, फाइन। सो ये आपका कितना ओरिजिन साइट हो गया, 1 और 2। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डबल ओरिजिन साइट, फाइन। तो ये आपका डबल ओरिजिन साइट है। आप बोलोगे सर 3, 4, नो नो, ये इकट्ठा था, काटने के बाद इसे खुल गया है। ओके, तो इसीलिए अब लीडिंग स्ट्रैंड इसका कहाँ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द वाई। ओके, ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन लीडिंग होगा, फाइन। तो अरे गड़बड़ गड़बड़ ये हो चे? एक्चुअली इसमें ना हम लोग अब इसमें रुद्राक्ष तो तू या देवांश और बंगाली में कौन बात करेगा? चलिए आप सुनिए, एक्चुअली इसमें हम लोग नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये बाई डायरेक्शनल है कि नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसलिए इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इस तरह के रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल द ओके मल्टीपल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, फाइन, मल्टीपल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब आप खुद सोचो, ओके, तो इकोलाई का जो डीएनए है 4.6 मिलियन है कि नहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए, 4.6 मिलियन बेस पेयर, एंड उसको रेप्लिकेट करने के लिए 20 मिनट लगता है। तो आपका बिलियन है तो आपका कितना मिनट रेप्लिकेशन होगा, सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा पहले इसको बना लेते हैं नहीं तो वो कट जाएगा। तो अब इसका जो न्यू डायरेक्शन क्या होगा, इधर है तो आपका 5 to 3 इस तरफ होगा। ओके, ये है
5, ये है 3, फाइन, एंड इधर इसका लैगिंग इस तरफ होगा. तो इसका 5-3 इधर होगा. यस सर. ओके, सो ये लीडिंग है 5-3 एंड इसका लैगिंग इस तरफ होगा. यस सर. 5-3, 5-3. तो सेम चीज हम यहां बना सकते हैं देख के फटाफट. सही बोल यार, वो कट जाएगा ना, टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए. ये एंड ये सेव कर, हो गया, वो तो सेव हो ही जाएगा. हो गया. सो दिस इज द कंसेप्ट, ये मल्टीपल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो गया. ठीक है, चलिए. एज वी वर डिस्कसिंग, यू कैन टेक थिंक कि आपका अगर 4 मिलियन को 20 मिनट लगता है तो 3 बिलियन या 4 बिलियन को कितना मिनट लगेगा. आप सोचते रहो, वी विल ज्वाइन आफ्टर द ब्रेक.